ओके मुंबई के रोड्स पे कामत सर के साथ आई रियली वांट टू गो टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड मासली। हाँ, ये जो मैं व्लॉग आज बना रहा हूँ ये मेरे लिए मेमोरियल रहेगा मुंबई के रोड्स पे, द किंग ऑफ रोड। आप लोगों में से बहुत से ऐसे राइडर्स होंगे जिनके एक आइडियल होते हैं, तो वो जो आइडियल होते हैं उनको मिलने के लिए हम लोग जैसे एक नॉर्मल राइडर उनको देख के जो हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं उनको मिलने के लिए कितने तरसते, ये तो आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ मेरे आइडियल, मेरे दोस्त और मेरे बहुत ही अच्छे गाइडलाइन करने वाले मेरे गुरुजी जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनका नाम है दीपक कामत सर। वो आए हैं मुंबई में और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आज मैं शाम को फ्री था तो उन्होंने बोला आजा मुझे मिलने के लिए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भी शेयर किया है और मुझे टाइमिंग भी दिया है, 8 बजे मुझे वहां पे पहुंचना है। तो अभी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, मैं आधा तो रेडी हो गया हूँ, अभी बस थोड़ा बाल सेट करता हूँ, हेलमेट उतारता हूँ, ग्लोव्स उठाता हूँ और सिम्बा को लेके निकलते हैं डायरेक्ट टूवर्ड्स वर्ली की तरफ। और बीच में शायद से मुझे महेश मिलेगा, महेश मेरे साथ आज आ रहा है, उसकी भी इच्छा है कि मैं दीपक सर को सामने से देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अब मैं जा ही रहा हूँ तो तू भी आ जा, क्योंकि वो इतने बड़े आइडियल है कि बता नहीं सकता, आप खुद ही देख लो। मैंने उनका इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे डाला है, आप चेक कर सकते हो वो कितने बड़े हस्ती है हमारे बाइकिंग कल्चर में। तो जल्दी नीचे उतरता हूँ और भागता हूँ सिम्बा लेके टूवर्स वर्ली की तरफ सर को मिलने के लिए। वो डैम एक्साइटेड, डैम एक्साइटेड। फाइनली नीचे आ गए हम लोग, बाइक करते स्टार्ट और दीपक सर ने जो लोकेशन भेजा है उसका मैप हम लोग डालते हैं महेश को मिलने के बाद। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं मेरे सिम्बा के साथ व्लॉग कर रहा हूँ इवनिंग के टाइम पे, मतलब इवनिंग में गोप्रो के साथ ऐसा टेस्टिंग वाला व्लॉग किया है, मगर एक प्रॉपर एक्चुअल व्लॉग बोलते हैं ना मोटो व्लॉगिंग, वो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो आइडिया नहीं है कैसा होगा क्या होगा। हाँ दादा, बस ऐसे जरा एक फ्रेंड आया उनको मिलने जा रहा हूँ, चलो। ओके देन, मैं जा रहा हूँ दहीसर से हाईवे पकड़ के और महेश आ रहा है गोराई से। तो हमारे यहाँ पे वो वेस्ट साइड में आता है, तो वेस्ट साइड से वो आएगा ईस्ट में हाईवे की तरफ और मागा थाने के जंक्शन पे मुझे वो मिलेगा और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। महेश लेके आ रहा है उसका KTM 390, वो एक KTM राइडर है और KTM ब्रांड के लिए अच्छे अच्छे राइड्स करता है एंड मैनी मोर थिंग्स। उसका भी पेज चाहिए तो मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे राइड्स करता है वो भी। अभी उसका एक लॉन्ग राइड का प्लान चल रहा है, होप बेस्ट वो जल्दी वो राइड करे। और रही बात दीपक सर की, बाप रे उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अगर मैं मेरे मुंह से तारीफ करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, कि बोलते ना एक छोटा मुंह बड़ी बात, वैसी वाली बात है। तो इस छोटे मुंह से मैं उनकी तारीफ़ नहीं करना चाहता। आप 101% इनका जो YouTube का ये जो पेज है आप देख सकते हो, आप खुद चेकआउट करो, आप खुद जानो इतने बड़े टाइटल है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी राइड्स की है। ये मैं नहीं बताना चाहता है, आप खुद जाओ और उनके प्रोफाइल में चेक करो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के, आपको पता चल जाएगा ये है कौन। और बहुत कम राइडर्स होंगे ऐसे जिनको पता नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा है, मैं खुद वो बन रहा हूँ। नो डाउट आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ये सब हो रहा है, ऐसे सपोर्ट बनाते रहना। मगर मेरे जो आइडल है वो है दीपक कामत सर, और वो जो हिसाब से राइड करते हैं मुझे वो तरह का कंटेंट पसंद है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले इंडिया कवर करने की, पहले क्या इंडिया तो बहुत बाकी है कवर करना, तो वो कवर करना है मुझे और उसके बाद फ्यूचर में देखते हैं, और कुछ प्लान्स रहेंगे तो कर लेंगे। बट दीपक सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, केदारनाथ जाने के पहले भी मुझे बहुत अच्छे टिप्स दिए, गोवा राइड के टाइम पे भी दिए, कोविड के टाइम से मैं उनको कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि कोविड में सब बंद था, लॉकडाउन था और मैं उनके राइड देख रहा था, तो
तब मैंने बाइकिंग कल्चर में फिर से एंट्री मारने का सोचा, क्योंकि काम में बहुत बिजी रहता था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फिर से राइडिंग कल्चर में आऊँगा और मैं मोटो व्लॉगिंग चैनल खोलूँगा द राइड ऑफ ड्रीम्स नाम से, और मैं आप लोगों से सब मिल पाऊँगा और जो मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूँ, और मैं जो अच्छे अच्छे जगह पे लोकेशंस पे राइड करता हूँ, जो मेरे ड्रीम राइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो इतने अच्छे अच्छे, मेरे को इतना ही फील होता है कि भले मेरे व्यूज़ कम है, मेरे कमेंट्स क्यों कम है, भले मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मगर मैं बेट करता हूँ आप मेरे हर एक कमेंट बॉक्स में जा सकते हो और देख सकते हो, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। मुझे वही पसंद है, मुझे एक क्रिंज कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, मुझे एक दीपक सर जैसा बड़ा आइडियल, और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोटो व्लॉगर्स हैं जो अपने कंटेंट के रिलेटेड ही फिक्स है, उनके जैसे मोटो व्लॉगिंग करना है और इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। GoPro का नाइट व्यू कैसा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट जो भी मैं कंटेंट कर रहा हूँ वो मेरे लिए पर्सनल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं व्लॉग आज बना रहा हूँ ये मेरे लिए मेमोरियल रहेगा। आगे ऐसा टाइम आ सकता है, या तो सर जब फ्री रहेंगे तो कभी हो सकता है तो राइड हो सकती है, वो आगे की फ्यूचर टेंस है, वो सब चीज़ों को लेके मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं बस अभी प्रेजेंट टेंस में जी रहा हूँ। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है मेरा, उनको मिलने का जो सपना था वो आज मेरा पूरा हुआ है, दैट्स इट, वही मुझे रिकॉर्ड करना है और वही हिसाब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि आगे जाके मैं बोल पाऊँ कि हाँ दीपक सर एक इतने अच्छे राइडर है और इतने अच्छे इंसान हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, और वो मुझे मिले और मैं उनको मिला, ये एक मेमोरी मुझे YouTube पे रखनी है। महेश आ गया है और महेश और मैं निकल गए टूवर्ड्स वर्ली की तरफ। कॉलेज टाइम के बाद आज हम लोग राइड कर रहे हैं, क्योंकि महेश पहले रहता था पूना में और उसके बाद अभी ये फिर से मुंबई शिफ्ट हुआ है, तभी महेश के पास था पल्सर और मेरे पास था RX 100, तो हम लोग ऐसे राइड पे निकलते थे, बहुत बहुत राइड किए महेश और मैंने, और बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सैटरडे नाइट ऐसे राइड करते थे टाउन की तरफ। आज वो वाला दिन याद आ रहा है जब हम लोग साथ में ऐसे ग्रुप हम लोग का निकलता था टूवर्ड्स बैंड्रा और टूवर्ड्स अपना नरीमन पॉइंट की तरफ, बहुत मज़ा आता था, तो वैसे आज कुछ फील हो रहा है, बट टाइम बहुत जल्दी है, इट्स 6:40 राइट नाउ, तभी हम लोग रात को 11 बजे के बाद निकलते थे और पूरी रात हम लोग घूमते थे और फिर से घर पे आके सो जाते थे, मस्त संडे रहता था, आराम से उठते थे। जिस तरह से हम लोग ट्रैफिक को डॉच करके आए ना, मुझे लगता नहीं अगर ये हम लोग करते तो इतना जल्दी आते थे। टाइम अपडेट है 7:13 और हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए माहिम, आगे से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट लेना है, बैक रोड से जाना है और फिर आगे जाके मैप डालता हूँ मैं, क्योंकि ये सब रूट मुझे पता है, बट जो लोकेशन सर ने मुझे बोला है वहाँ पे मैं कभी गया नहीं। तो ये है मोस्ट फेमस फ्लावर मार्केट दादर का, हम लोग रुके थे सर के लिए बुके लेने के लिए, अभी बुके लिया हम लोग ने और अभी निकल रहे आगे की तरफ। दीपक सर ने जो लोकेशन भेजा है वो लोकेशन पे हम लोग ऑलमोस्ट आ गए, ओनली 700 मीटर्स पे, मगर जस्ट दीपक सर का व्हाट्सअप आया, उन्होंने अभी एक लोकेशन लीव किया है जो यहाँ से रहेगा अराउंड 45 मिनट्स या एक घंटे के आसपास, तो उनका मुझे व्हाट्सअप आया कि मैं अभी निकला हूँ, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं मैं पहुँच गया हूँ, आप आ जाओ आराम से। विठला विठला I'm so lucky to meet you। अरे अरे ये सब मत करो यार, गले लगो यार, गले लगो, कैसा है? इतना साल लगा सर, क्या इतना साल, ये सब क्या है भाई, ये सब किसके लिए, ये क्या लिए, आप स्पेशल हो मेरे लिए। हाय हाय हाय, ये नहीं नहीं नहीं, मत करो यार, गले लगो यार। आप बोलो, अरे ये सब कर रहे हो क्या? अरे ये इसमें मत डालो यार ये सब। हाय हाय गाइस, हाय, यू नो ये पागल बंदा और एक पागल से मिल रहा है। ओके, मुंबई के रोड्स पे कामत सर के साथ महेश के पीछे बिठाया उनको ताकि वो कंफर्टेबल बैठ सके वहाँ पे। सर बोल रहे उनके फ्रेंड का एक होटल है, वहाँ पे जाते खाना खाते और वहाँ पे बैठ के बातें करते। सर कैसा लग रहा है मुंबई में?
आई ऑनेस्टली लाइक मुंबई बेटर देन बैंगलोर. सीरियसली ज्यादा खिचखिचते हैं यार. ट्रांसपोर्ट इतना बड़ा. हाँ सर. और बस के लिए भी हाँ लोग पेशेंटली एक क्यू में वेट करते हैं. यस 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 दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. और बस में भी बैठने के लिए जगह है. यस यस सर. और बेस्ट है ट्रेन. ट्रेन 10 रुपए में किधर भी घूम. बट सर पी कार में नहीं घूम पाओगे. बहुत वर्स्ट है वो. यू नो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. यस हम लोग तो विजिट कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ प्रोबेबली जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का राय अलग होगा. ऑब्वियसली जब विजिटर आएंगे हाँ मैं संतुष्ट हूँ. ओह यू नो आई एम हैप्पी टू बी इन मुंबई ऑलवेज. आ जाओ ना सर. रियली गुड फ्रेंड्स. आ जाओ सर. आ गए. थैंक यू. एंड आज बहुत सारा लोगों को मिला. हाँ कल भी बहुत सारा लोगों को मिला. सीरियसली तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू कम टू मुंबई. आपको प्यार करने वाले ज्यादा है यहाँ पे. मतलब वो क्या है सर आपको प्यार करने वाले मुंबई में ज्यादा है. It is like प्यार देने से प्यार मिलता है. प्यार मिलता है. Obviously, obviously sir, obviously. अभी, you know we are, I really want to go to this restaurant called Masli. Masli, हाँ. You know incidentally, when I was in Dharamshala. Okay. I went to a hotel called Serene Suites. Serene Suites, okay. और वहाँ के owner. Okay, वहाँ के owner. वहाँ के ओनर ने बताया लोगों ने मुंबई में मास्टली करके रेस्टोरेंट ओपन किया है. ओके. वो कहने के बाद मैं 4 बार बॉम्बे आ चुका हूँ. हाँ हाँ. लेकिन मौका नहीं मिला. ओ अभी देखो हम 1 किलोमीटर रह रहे हैं. कितना नजदीक है. देखो आपने जैसे लोकेशन सेंड किया वो मैं बोला बाजू में ही है. आई टोल्ड हर आई विल डेफिनेटली गो. हर हस्बैंड इज हियर. ओके. एंड मास्टली इज अ रेस्टोरेंट व्हिच इज वेरी known for its fish yeah seafood aur mumbai aaye aur seafood nahi kaha hai to aisa ho nahi sakta hai sir. main plan kar raha tha ki apun na yahan pe jaate the maim chai kade. sir maim ke idhar jaate the wahan pe bhi bahut acha hai fish ka to main socha tha wo ek try karte. mera already plan chal raha tha agar aapne bola idhar aur mast. what a great memory aapne mera hai na bol raha na ek sapna pura kar diya sir. ऐसी कोई बात नहीं है. नो सी आई डोंट हेजिटेट टू मीट पीपल. या आई मीन इट इज जस्ट दैट यू नो लाइक यू नो व्हेन आई कम हियर विद अ प्लान द प्रायोरिटीज आर लाइक यू नो लाइक ए बी सी डी. या तो अभी भी चल रहा है वहां पे प्रोग्राम. हां एक घंटा पहले से निकल आया. ओके. लोग थे वहां पे. ओके. बट काफी टाइम निकाला. बहुत हो गया. कल भी है. वाओ. गाना वाना सुनेंगे और निकलेंगे मंडे सुबह. सो आप सर कितना दिन पहले निकले बैंगलोर से. मैं निकला डे बिफोर यस्टरडे. ओके. और आई हुक्ड अप टू द कोस्ट. ओके. नेशनल हाईवे 66 पे आया. NH66. ओके. हमारा इंडिया का खुद का रूट 66 है. ओ हो हो हो. तो सब लोग बैंगलोर के लिए NH48 लेते हैं. बराबर. बोरिंग रोड. बोरिंग. क्रूज कंट्रोल डालो सो जा. बेकार है वो. सो ये NH66 ब्यूटीफुल सीनिक. जगह जगह पे बीच के लिए रास्ता दिखाते. यस 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 इट इज ऑसम. ब्रिलियंट. सो जाते वक्त मैं और भी स्लो जाऊंगा. हाँ जाते वक्त क्योंकि मेरा यहाँ पे कल रात तक पहुंचना जरूरी था. ओके. तो मैं परसों जब निकलूंगा ना मंडे को. हाँ स्लो डाउन इवन मोर. ओके. Okay, Western Ghats is awesome, amazing. I'm just wondering, you know, like how did I miss it? Seriously, आपने पहले नहीं किया था सर? ओह हो, सर हम लोग का गांव वही साइड आता है ना? 66 US में गया हूँ, लेकिन 66 इंडिया में नहीं गया. चलो वो भी खत्म हो गया. But sir, हम लोग का गांव वही साइड है. तो हम लोग जाते हैं ना रत्नागिरी. क्या मैं चिपलून का है. रत्नागिरी के पहले. हाँ या अभी जा रहा हूँ मैं रत्नागिरी दिसंबर. मेरी कजिन का शादी है और 6th और 7th को IBW है. तो अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ. IBW ये जा रहा है. कामत सर के फ्रेंड का होटल है तो वो बोले मुझे यहाँ पे खाना है कुछ भी करके. तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. बहुत ही
ब्यूटीफुल खाना था, सी फूड था और हम लोग ने सब स्टार्टर्स खाए, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ गया। मैं तो कहूँगा मुंबई का सबसे बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट है ये, सीरियसली मैंने लाइफ में ऐसा क्वालिटी का सी फूड खाया नहीं है किधर भी। मैं खुद मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, बट आई बेट इसके जैसा सी फूड किधर नहीं मिलेगा, बहुत मज़ा आया। और दीपक सर उनके फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यही ओनर है प्रसाद सर, इनका होटल है ये। सर का डिनर हो गया है, मेरा भी हो गया, महेश का भी हो गया। अभी सीन ऐसा है कि सर को हम लोग लेके जाते सीलिंग पे, उनको एक साइड व्यू देखना था उसका, बट सर ने मुझे बोला कि थोड़ी तबीयत डाउन है रोहन, वो हम लोग फिर कभी कर लेंगे, हम लोग होटल की तरफ जाते। सो वी आर गोइंग बैक टूवर्ड्स द होटल और दीपक सर मुंबई के रोड्स पे, द किंग ऑफ रोड। सर बॉम्बे में बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, या तो मैं बाहर रहता हूँ और सर आते हैं, तो बात कुछ ऐसी होती है हमेशा। इस बार सर आए और हम लोग मिले, ये सब ऊपर वाले की बोलते ना ब्लेसिंग्स है और आप लोगों का सपोर्ट है, और ये सिम्बा जो मुझे इतना फेमस कर रहा है, और ये यूट्यूब के कारण मुझे आज दीपक सर को मिलने मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड यार। थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ बट जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, सर को मिलना इतना आसान नहीं है सीरियसली, और मैं बहुत लकी हूँ कि सर मुझे अच्छे से जानते हैं और हम लोग एक दूसरे से बात करते और हम लोग टच में रहते हैं। चले मेरे भाई, दिल्ली बहुत दूर है। आई गेस कैमरा जस्टिफाई करता रहेगा बिल्डिंग और वहाँ पे है मून, क्या बात है। शाम के टाइम रेड था पूरा, आज पूर्णिमा है ना शायद से इसलिए। और हम लोग आ गए अभी दादर, दादर शिवसेना भवन के पास है सिग्नल पे, ये राइट दादर स्ट्रेट टूवर्ड्स माहिम, और माहिम से लेंगे राइट टूवर्ड्स दहिसर। तू लेफ्ट ले रहा है, मैं सीधा निकलता हूँ, चल बैठी हो उद्या फोन कर। चलो महेश अभी बोरिवली के यहाँ से लेगा लेफ्ट, यहाँ से लेगा लेफ्ट, वो जाएगा टूवर्ड्स कोरा केंद्र फ्लाईओवर करके टूवर्ड्स गोरा की तरफ घर पे, और मैं निकलूंगा टूवर्ड्स दहिसर हाईवे पे से, क्योंकि फटाफट जाने हुए भाई इसलिए। चल बाय। रात को मैं दहिसर से जो निकला डायरेक्ट घर पे आ गया और सो गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं डायरेक्ट सवेरे उठा और बहुत ही अच्छा लगा। कल रात का मेमोरीज जो था बहुत ही, बोलते हैं ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि मैं दीपक सर से मिला। तो दोस्तों मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैं ये जो ब्लॉग एंड कर रहा हूँ ये मोबाइल पे से कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं वो जो मैंने माइक लिया है वो मुझे क्यों बोले ना मज़ा नहीं आ रहा है उसका ऑडियो में, या तो मैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करूँगा तब मुझे अच्छे से जमेगा उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो सब देखते जो भी है। तो इसलिए मैं अभी मोबाइल पे कर रहा हूँ, अभी देखते कैसा ये भी फुटेज आ रहा है। तो होप करते आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो एक कमेंट एक लाइक और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।